तो दोस्तों अब आपको देखने को मिलेगी फेसलिफ्ट अवतार में मारुति सुजुकी कंपनी की डिज़ायर गाड़ी। और दोस्तों BS6 पहले ही कंपनी ने इसमें अपडेट कर दिया है। और दोस्तों हम बात करेंगे इसके ZXI वेरिएंट के प्राइस के बारे में। दोस्तों इस नए लुक के बाद इस गाड़ी की सही कैश प्राइस क्या होगी इंडियन मार्केट में, यानी कि कैश प्राइस, और इसकी ईजी नई EMI डिटेल क्या होगी। दोस्तों हम दोनों ही डिटेल के बारे में आपको बताएंगे छोटी सी वीडियो में, प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों इस गाड़ी के कैश प्राइस के बारे में, यानी कि अगर आप इसको कैश मिलेंगे तो आपको ये कितने की पड़ेगी। तो मारुति सुजुकी डिजायर जो कि BS6 इंजन के साथ आती है गाड़ी, और दोस्तों हमने इसका ये वेरिएंट लिया है ZXI में, और ये फेसलिफ्ट लुक के साथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको खरीदते हैं दोस्तों UP के नोएडा सिटी से, तो इसकी एक्सशोरूम प्राइस आपको पड़ेगी 7,48,000 रुपये, और इसके रोड टैक्सीज और प्रोसेसिंग फीस को जोड़कर दोस्तों इसके RTO चार्जेस बनते हैं 64,840 रुपये, और इंश्योरेंस चार्जेस के लगेंगे इस गाड़ी पर 40,780 रुपये। दोस्तों सारी टैक्सीज को जोड़ने के बाद इसका ऑन रोड प्राइस यानी कि कैश में आपको ये पड़ेगी 8,53,620 रुपये की। तो दोस्तों ये है मारुति सुजुकी डिज़ायर BS6 इंजन के साथ आने वाली ZXI वेरिएंट की कैश प्राइस डिटेल जो कि फेसलिफ्ट अवतार में है। दोस्तों अब बात करेंगे इसकी EMI डिटेल के बारे में, यानी कि अगर आप इसको कैश में ना खरीद कर फाइनेंस कराएंगे, अगर आपका बजट कम है तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसके लिए डाउन पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों मान लीजिए अंदाजन इसकी आप डाउन पेमेंट करते हैं 3,20,000 के आसपास की, तो इस पर आपका लोन अमाउंट बैलेंस बचता है 5,33,620 रुपये का। अगर आप इसको फाइनेंस कराएंगे 5 साल के लिए यानी कि 60 मंथ्स के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% लगाने पर इसकी हर महीने की EMI निकलती है 11,207 रुपये, जो कि आपको 5 साल यानी कि 60 महीनों तक पे करनी होगी। तो दोस्तों ये हो गई है इस गाड़ी की EMI की डिटेल। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि दोनों डिटेल जो हमने बताई हैं ये हैं दोस्तों नोएडा सिटी की। दोस्तों अगर आप नोएडा से लेंगे तो आपको यही प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर आप नोएडा में नहीं रहते तो दोस्तों आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।